सके तू मेरी मोहब्बत हो, गए सके तू मेरी मोहब्बत हो। एक ऐसा कलाकार जिसे आता है साज बाज का 100% में 100% बजाने, और आप देख रहे होंगे हमारे साथ है एक नाल और हारमोनिया, इधर तबला और ये आप देख रहे होंगे बिंजू, ये सारी चीज़ें हैं। और यही नहीं, और अन्य भी जो छुटा होगा कैसियो, और उसके बाद पैड और क्या और तमाम हाथ बाजे वाले जितने भी हैं सब। अच्छा अच्छा, यानी नए युग के जितने भी साज बाज हैं ये बजा लेते हैं। आज हमारे साथ हैं लक्ष्मण गाजीपुरी। अब तो ये मार्केट में विलुप्ति के कगार पे हैं, है कि नहीं? हाँ। अब इसका धुन तो कोई सुनता नहीं, लेकिन बहुत प्यारा धुन है ये। देखिए ये ऐसी धुन है, ये ऐसी धुन है कि आप हमारे माता जी का भी माता गाई, हमारे आजी का भी आजी गाई, हमारे जितने हैं अभी माँ भी, हमारे पूर्वज भी गाया, माँ भी गाई, सब भी गा रहे हैं, लेकिन आज भी ये गीत जो है कि नई है। अच्छा अच्छा, आज भी ये पुरान कभी नहीं होगी, इसलिए ये भक्ति गीत है, इसलिए शुरुआत अक्सर होता है तो गा लेते हैं इसी मैजिक को बजा के तमाम दूसरा गाना बजा देते हैं। वो साज बाज पूरा कैसे सीख लिए? ऐसा है कि साज बाज मेरा बचपन से शौक था। मैं जब छोटा था उस समय मेरे घर में एक ढोलक थी, और छोटे ही समय में जो है कि बहुत छोटी सी ढोलक थी, मैं उसको बड़ा शौक था, सब लोग घर परिवार के बोलते थे भी, तो मैं तब फिर भी नहीं मानता था, बजाने लगा। अच्छा, हाँ। आपका परिवार ही संगीत से जुड़ा हुआ है क्या? हाँ, जुड़ा था। अच्छा, हाँ, पहले
पहले मेरे एक बाबा थे, वो तबला बजाते थे, बहुत अच्छे बाबा। और एक मेरे सकलू नाम के बाबा थे, उनकी आवाज़ और उनकी हारमोनियम की बात की तो आपसे क्या बताऊँ। अगर वो अगर आवाज़ गाते थे उनकी जैसे आप अभी सुनने को नहीं मिला। हाँ, और जब मरे तो उनके साथ उनकी हारमोनिया जो हमारे साथ लक्ष्मण गाजीपुरी थे, और जो कि सभी साज को आपको आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और कैसा लगा और कौन कौन सा गाना था ज़रूर आप बताएँ। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।